जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पहले देश में नहीं थे राम, राम थे क्यों नहीं? पहले टेंट में थे, लेकिन टेंट से मंदिर में कौन लाया राम को? सरकार ने लाया, योगी जी लाए, सरकारें। हम लोग आते जाते थे भैया, कोई कभी अखिलेश यादव ने यहाँ सुरक्षा आने जाने के लिए हम लोगों को मतलब रोड नहीं दिया। बीजेपी सरकार में खाली भ्रष्टाचार चल रहा है। अच्छा, बीजेपी सरकार में खाली भ्रष्टाचार? हाँ, खाली आतंक का गढ़ था, ठीक है ना, आतंक का गढ़। इस समय हम आजमगढ़ में हैं और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हमारे पीछे भीड़ है। ये लोकसभा है निरहुआ जी का, और उसी लोकसभा में अभी 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 मोदी जी जो है कि यहाँ से भाषण देकर निकले हैं, और तमाम सारी जनता जो है कि जा रही है अब उनका भाषण सुन के। पोस्टर अपने घर ले जा रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे पोस्टर का? लगाएंगे मोदी जी को ना अपने घर में। देखिए, आपकी बार 400 से पार लिखे हैं, तो मोदी जी सही में विकास उकास किए हैं? हाँ, ये है विकास, आजमगढ़ में किए हैं। मोदी जी क्या बोले, कुछ पता है? अरे बोले है अब आजमगढ़, आजमगढ़ नहीं रहेगा, आजमगढ़ हो जाएगा, अब आजमगढ़ नहीं रहेगा, इस देश में नहीं रहेगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि आजमगढ़ चला जाएगा? नहीं 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 जाएगा, आगे बढ़ेगा। 1.5 साल में यानी कि बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत प्रयास किया और काम भी किया, और उनके निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बहुत कुछ दिया भी, और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि सरकार के साथ हम लोग फिर रहेंगे तो अभी बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा हम लोगों को। जी हाँ, यानी कि 2024 के चुनाव में फिर से आ सकते? बिल्कुल, दोनों सीटें, दोनों सीटें, ये तो लालगंज, लालगंज और आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र, ये दोनों सीट हम लोग जीतेंगे कि हम लोग आते हैं। और हाँ सर, और 400 के पार केंद्र में सरकार हमारी बनेगी। हाँ, आ जाता है कि सपा का यह गढ़ है और यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता? नहीं नहीं नहीं, गढ़ नहीं, गढ़ नहीं, जब हमारे पास विकल्प नहीं था, जब हमको बरगलाया जाता था तो लोग जीतते थे यहाँ से। अब हमें हमारा प्रतिनिधि मिला है, हमारी सरकार मिली है, और हम इसी के साथ रहेंगे आगे भी। मोदी गढ़ था, आतंक का गढ़ था, ठीक है ना, आतंक का गढ़ था, बस इतना जान लीजिए। रुकिए रुकिए, विकास विकास किए हैं कि नहीं? अरे विकास होगा और हो रहा है, क्यों नहीं होगा? आप क्या चाहिए? आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं, हम लोग इतना इतना गड्ढे हुआ करते थे, और आज जहाँ हम लोग खड़े हैं, आँख आज पीछे का आदमी सो जाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बस में बैठते हैं, हम लोग आराम से लखनऊ पहुँच रहे हैं, और भी कनेक्टिविटी बलिया गाजी पूर्वांचल एक्सप्रेस है तो करें, सपा बनवाई है ना? अब सपा रही थी तब ना बनवाई होगी, कौन था, किसके समय में बना? बताइए, सपा बनवाई है तो उद्घाटन से क्या था? सपा ने उद्घाटन किया था ना, लेकिन बनवाया किसने? जो बनाया बनाता है उसकी जो भूमिका होती है, उद्घाटन से नहीं कुछ होता है। मैं किसी चीज का केवल उद्घाटन कर दूं, उसने से मन नहीं जाएगा? नहीं नहीं, बोलिए। राम मंदिर बना है इनके मतलब कि कोर्ट के आदेश से, तो क्या लगता है राम मंदिर के आधार पे वोट देंगे लोग? क्यों नहीं देंगे भैया, पहले तो हमारे राम है, पहले तो राम ही है, आस्था राम से है, हम लोग आस्था राम से, आस्था राम से है ना? नहीं बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पहले देश में नहीं थे राम, राम थे क्यों नहीं? पहले टेंट में थे, लेकिन टेंट से मंदिर में कौन लाया राम को? सरकार ने लाया, योगी जी लाए, सरकारें, जो सरकारें, यही सरकारें। लोग कहते हैं कि मंदिर चाहिए, मंदिर मंदिर नहीं चाहिए, अस्पताल चाहिए, अस्पताल भी बन रहा है, एम्स का उद्घाटन हुआ, अस्पताल भी बन रहा है, विश्वविद्यालय भी बना, आज तक पूरे आजमगढ़ में कभी विश्वविद्यालय था, लेकिन उसकी सौगात किसने दिया? भाजपा की सरकार ने दिया। बिल्कुल, यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, नेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए है, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए विरोध, देखिए चाहे एयरपोर्ट हो, देखिए हम बता दें, देखिए चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोड हो, ठीक, चाहे अस्पताल हो, कुछ भी बनेगा, जमीन चाहिए, बिना जमीन के कुछ नहीं बन सकता है। आप हम यहाँ रोड पे खड़े हैं, ये किसी ने जमीन दिया तभी तो ये बना है, ये जमीन हो, चाहे रोड बने, चाहे अस्पताल बने, चाहे एयरपोर्ट बने, चाहे विश्वविद्यालय बने, चाहे अस्पताल बने, कुछ भी बने, बिना जमीन के कुछ नहीं बनेगा। जमीन जो हम लोगों की है वो सरकार की ही है, वो तो बस ये है कि सबके नाम से है, तो भाई त्याग तो कुछ करना ही पड़ेगा जब अच्छा काम के लिए। मोदी जी कुछ कहे आज, सुनिए कि नहीं? हाँ सुने हैं। क्या कहे? अरे बहुत कुछ, अपना उद्घाटन किए हैं और बताइए, सुनिए। जैसे कि
अभी एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हुआ है उसका वो हुआ है, और विश्वविद्यालय का और रेलवे डबल लाइन का। तो बहुत मोदी जी हमारे बहुत कुछ किए हैं, अभूतपूर्व कार्य किए हैं, लेकिन बस उनसे एक विनती है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए थोड़ा सा जरा सा कुछ कर देते तब, हाँ, जिससे थोड़ा मानदेय संतोषजनक बढ़ा दें कि हम लोग अपने बच्चों का भरण पोषण कर लें अच्छा से, बस यही विनती है उनसे बस। कहा जा रहा है कि कहा क्या जा रहा है जो पुलिस की भर्ती थी वो लीक हो गई उसके बारे में, तो उसके तो उसके लिए तो हम लोग जिम्मेदार है ना, जनता जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, देश के युवा परेशान हो रहे हैं, तो ये तो भ्रष्टाचारियों को नहीं करना चाहिए। तो प्रयास किया, वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है की जा रही है उनके साथ जो है, और इसके पहले भी जो कर रहे हैं पुलिस भर्ती आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले भी पुलिस भर्ती आप लोगों ने देखा, सूची बन के लखनऊ से आती थी, समझ रहा है ना, सूची बन के लखनऊ से आती थी, दौड़ने वाला लड़का जो है घर पे बैठ के रोता था है। और आज कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं बीजेपी सरकार में खाली भ्रष्टाचार चल रहा है। अच्छा, बीजेपी सरकार में खाली भ्रष्टाचार? हाँ, खाली भ्रष्टाचार। आप कुछ बताइए, क्या बताइए? जो जनता की जमीन जो ले लिया जा रहा है, कितना मुआवजा मिला? किसी को मुआवजा मिला? जो लोग बोल रहे हैं कि जनता की जमीन सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन है तो अपना अपना जमीन दीजिए, जो लोग जिनका घर उजर रहा है दीजिए, तभी ना सरकारी जमीन है, कहाँ जाएंगे सर? जमीन तो जरूरी है, कहाँ जाएंगे? जिसका जमीन घर झूठा कहाँ जाएंगे सर, बताइए आप लोग कहाँ जाएंगे, बताइए। वो सबको उचित मुआवजा दिया जा रहा है, सब सारे लोगों को, सारे यही ग्रामीण लोग शहरों में जाके एक एक बिस्सा जमीन खरीद के घर बनाते हैं, आज उनको मुआवजा दिया जा रहा है, विकास के इस कड़ी में दिया जा रहा है। कहाँ मुआवजा दिया है? किसको मुआवजा मिला? 2 लाख रुपए में क्या मिलेगा? 2 लाख रुपए में क्या मिलेगा बताइए? जमीन की कीमत ही तो मिलेगी, जमीन की कीमत मिलेगी। 1 लाख में कई जमीन मिल जाएगी? और कौन सी कई जमीन मिल जाएगी? 2 लाख नहीं, वो 2 लाख जो सर्किल रेट का 4 गुना नहीं मिलेगा, सर्किल रेट का 4 गुना दिया जा रहा है, समझ रहे ना? सर्किल रेट का जो कानून सर की क्यों नौकरी की गई है आर्मी वालों की? इतना लड़के लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, क्यों किया गया है? कितने उम्र है? अभी मैं 14 साल है, मैं अभी तैयारी साल में कहां से आर्मी की? नहीं, मेरे जो सुनिए पहले बात, मेरे जो भैया हैं बहुत तैयारी कर रहे हैं। अरे ये जो आर्मी की बात कर रहे हैं, ये तो पूरे हर कंट्री में ऐसा है ना, वही नियम यहाँ भी लग गया है। क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? रोजगार बहुत मिल रहा है, पहले लोग गाइडी से लिखते थे नकल मार मार के, नकल वाली सारी सुविधा बंद हो गई। अभी वीडियो एक वायरल हो रहा था, नकल करने वायरल हो रहा था, अब जो पढ़े लिखे लड़के हैं वही नौकरी पा रहे हैं। विकास होने वाला है, अब मेरिट वाला सिस्टम खत्म, कि आप जाइए इंटर हाई स्कूल में खूब नकल मार के छाप के लिख लिए, अब मेरिट में हो गए। पुलिस की भर्ती कितने साल के बाद निकली है? अब निकली होगी 4-5 साल के बाद निकली है। 5 साल के बाद ना? 5 साल के बाद तो उम्र खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? क्यों नहीं, मोदी जी ने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा है? जनरल का होता था 22 लास्ट, अब की बार 25 कर दिया, और इन लोगों का एससी एसटी का 28-29 साल होता है, तो कितना गैप हो गया? 6 साल जो है कि लोग इंतजार करेंगे। कहाँ इंतजार कर रहे हैं? 6-6 साल इंतजार करेंगे भर्ती के लिए भैया, 26 कर दिए, 6 साल के इंतजार, यही मतलब है 6-6 साल इंतजार करेंगे लोग भर्ती के लिए, 6 साल के इंतजार कर रहे हैं। कब पुलिस की भर्ती? 5 साल पहले। क्या कर रही है? क्या गलती है? हम लोग कार्यकर्त्री हूँ गांव में, हम लोगों को सब काम कराया जाता है, लेकिन हर प्रदेश में सरकार ने 20,000-15,000 वेतन कर दिया है, लेकिन यहाँ आजमगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका आशा और समूह को वो कह करके बढ़ाए नहीं, 5 साल उनका यहाँ गया वोट लेने के लिए, बढ़ाए नहीं। सरकार जो है गरीबों के लिए इतना काम कर दी है, पहले लोगों की ये तो कह रहे हैं कि सुनिए जिनके लिए काम की सरकार, खुश नहीं, कोई खुश नहीं है, महिलाएं की कोई खुश नहीं। सुनिए, पहले लोगों के पास घर नहीं होता था, आवास आता था कागज में आवास आता। सुनिए पत्रकार जी, यानी कि उन लोगों का भी सुनिए इधर आइए, कि उनको अगर पसंद नहीं तो इस्तीफा दे दे। सरकार ऐसा नहीं है कि जो काम बोली है वो की नहीं है, ये कैसे कह रही है कि वो काम नहीं किया है? अरे फिर वही बात, उनसे पूछना चाहिए ना आपको। घर नहीं हुआ करता था, लोग कच्चे मकान में,
दो बीघा आगे हो गया का नाम पूछिए, इनके पिताजी का नाम पूछिए, पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम से खाता भाई चेक करवाऊंगा, पैसा गया उसमें, पैसा गया है पैसा मिली, चप्पल उप्पल हमारे टूट गया, देख ला चप्पल टूट गया, एक मोबाइलियो गिर गया हमारा और पर देखबा गइला 69,000 वाला पुलिस वाला यो एआरओ आरओ वाला कुल लीक हो जात है, कोना चली चुनावी भाई साहब जिस मतलब जहां से अखिलेश यादव जीतते हैं वहां का रोड चले जाइए देखिएगा क्या स्थिति थी। आज महाराजगंज से देवरा बेल्ट में नहीं जा सकते थे भैया, महाराजगंज से सहदेवगंज मोड़ तक, परशुरामपुर से जो है बंदा तक, और इसके बाद जो है भैया जो वहां बिलरिया से जो है रौना पार चांद पट्टी में जहां से उन्होंने उन्हीं के लोग जो है वोट करते थे और वहीं से वो लोग जीतते थे, लेकिन घुटने भर पानी में हम लोग आते जाते थे भैया, कोई कभी अखिलेश यादव ने यहाँ सुरक्षा आने जाने के लिए हम लोगों को मतलब रोड नहीं दिया, आज सड़क की व्यवस्था कोई नहीं दिया, आज जो है ये लोग कह रहे हैं तो कुछ काम नहीं, कुछ नहीं काम किए, 2.5 साल से उनके पिताजी 5 साल रहे, 2.5 साल हो रहे कुछ भी एक पैसे का काम नहीं किए, हम लोग जो है पानी में आते जाते थे और इसके बाद भी एयरपोर्ट का उद्घाटन ही करा था सीख लिया जब देवरा क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए।